नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मलेरिया रोग के बारे में, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज या फिर बेटा प्रोटोजोआ जनित रोग। गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में मलेरिया से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, नोट्स बनाने हैं। और भैया, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं गाइज आज की क्लास की शुरुआत। हेडिंग लगा लीजिए भैया, मलेरिया रोग, मलेरिया डिसीज, मलेरिया डिसीज अर्थात मलेरिया रोग। गाइज, ये एक प्रोटोजोनल डिसीज है, ये एक प्रोटोजोनल डिसीज है, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज या प्रोटोजोआ जनित। और बेटा, मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेटा बता देता हूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज दिख रहा है आपको? हाँ, मैं थोड़ा इधर लग देता हूं ताकि भैया कटे नहीं। देखो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और गाइज, इस चैप्टर की 37 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 38 नंबर की क्लास है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पिछली 37 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमने नंबर एक पर पढ़ा था बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो जीवाणु के कारण होते हैं या बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। जब हमने बैक्टीरियल डिसीज स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि एक्चुअली में बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, और भी बैक्टीरिया से संबंधित बहुत सारे तथ्य मैंने आपको बताए थे जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बताया था, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, पर्टुसिस, ये सभी बीमारी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। एक एक करके हमने इन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ा था। जैसे ही हमारा बैक्टीरियल डिसीज समाप्त हुआ था, तो हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा वायरस डिसीज, वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। अब ये क्या होता है विषाणु जनित रोग? तो ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो वायरस के कारण होते हैं, और ऐसे रोग जो वायरस के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग। फिर बेटा, जब हमने ये स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सबसे पहले वायरस के बारे में बताया था कि एक्चुअली में वायरस है क्या। तो आप सभी को पता है सजीव है निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है वायरस को। वायरस की संरचना कैसी होती है, सबसे पहले वायरस की खोज किसने की, पहला खोज जगाया वायरस कौन सा है, यानी कि वायरस से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जब वायरस डिसीज स्टार्ट किया था तब। फिर मैंने आपको वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम बताए थे, जैसे कि एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस डिसीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसके अलावा मीजल्स, जर्मन मीजल्स, जेनाइटल हार्पास, वायरल हिपेटाइटस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इबोला, मम्प्स, रूबेला, मम्प्स, पोलियो, रेबीज, सार्स, ये सब बहुत सारी बीमारी थी बेटा जो वायरस से हो रही थी।
तो मैंने आपको वायरस डिसीज के नाम बताए थे, और वायरस से होने वाली ये जो एक एक बीमारियां हैं, इन एक एक बीमारियों के बारे में बेटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे ये वायरस डिसीज यानी कि विषाणु जनित रोग समाप्त हुआ था, तो नंबर 3 पर बेटा हमने स्टार्ट किया था बेटा फंगल डिसीज। फंगल डिसीज अर्थात कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। बेटा कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया था, कवक क्या होता है और कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है वो सभी मैंने आपको बताए थे। जैसे कि कवक से होती है रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म जिसे आप दाद कहते हो, एक होता है इसके बीच, इसके बीच कहा जाता है बेटा खाज को। एक मैंने आपको बताया था अस्थमा जिसे आप दमा रोग भी कहते हो, एक होता है बाल्डनेस या गंजापन, और एथलीट फुट डिसीज या एथलीट फिट डिसीज। बेटा ये जो 5 बीमारी है ये फंगल डिसीज यानी कि कवक जनित रोग, कवक से होने वाली बीमारी है। तो इन 5 बीमारियों के बारे में एक एक क्लास में हमने अलग अलग पढ़ा था। जैसे ये तीनों कंप्लीट हो गई थी हमारी बेटा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी और फंगल से होने वाली बीमारी, तो नंबर 4 पर बेटा हमने स्टार्ट किया था प्रोटोजोनल डिसीज। प्रोटोजोनल डिसीज अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग, ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में प्रोटोजोआ है क्या और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। गाइज प्रोटोजोआ से होने वाली जो पहली बीमारी है बेटा वो है मलेरिया। तो इस वीडियो में मलेरिया के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो, SSC, NDA, PCS, नीट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। वीडियो में शुरुआत करने से पहले यानी कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं बेटा बायोलॉजी का, जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना होती है। इस वजह से उस क्वेश्चन का आंसर आप हर रोज दिया करो, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहे और आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इतनी बात क्लियर है? ओके। ये चैप्टर बेटा लगभग 75% कंप्लीट हो चुका है, 25% और बचा हुआ है, जिसमें हम प्रोटोजोनल डिसीज पढ़ेंगे और बेटा अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो आप कहोगे वो मैं आपको बता दूंगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है कि 1 फरवरी से हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी से वो सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अभी तक मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है, मैं बहुत जल्दी ही बेटा आपको टाइम फिक्स बता दूंगा कि भैया कितने बजे से वो बैच स्टार्ट होएगा। रेगुलर क्लास आएगी, एक भी दिन मिस नहीं होगी, कोई इमरजेंसी कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी आपको क्लास छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो बेटा रेगुलर फिक्स टाइम पर क्लास अपलोड हो जाएगी। ओके, अब शुरुआत करते हैं बेटा मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, इनको मिटा दूं। ओके, आशा करता हूं कि इन पिछली 37 क्लासों में जो हमने पढ़ा है वो सारा का सारा ही मैंने आपको बता दिया है। आज ये 38 नंबर की क्लास है और बेटा इस 38 नंबर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया रोग के बारे में, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। किसी को या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जितने भी आपके पास ग्रुप है बेटा उन सभी ग्रुपों में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, आगे शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा मलेरिया से जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मलेरिया, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है बेटा। और इसके अलावा 3 बीमारी, कोई वायरस से होने वाली बीमारी दे सकता है, कोई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी दे सकता है, कोई कवक से होने वाली बीमारी दे सकता है, एक ऑप्शन में देगा बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो याद रखना है कि मलेरिया ही उस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि मलेरिया ही बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन सी ऐसी बीमारी है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर आता है भैया मलेरिया, मलेरिया।
जो कि भैया प्रोटोजोआ से होता है। नंबर दो पर आता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, इसे निद्रा रोग भी कहा जाता है या निद्राकारी रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा आता है एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस, इसे बेटा दूसरा नाम से और जाना जाता है फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस, हिंदी में कहा जाता है इसे हाथी पांव रोग। और प्रोटोजोआ से होने वाली चौथी बीमारी कौन सी है, काला आजार। ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, इसे दम दम प्योर भी कहा जाता है, इससे भी बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये और ऐड कर लेना भैया। नंबर पांच नंबर की बीमारी कौन सी है, दम दम बुखार कहा जाता है, काला आजार, या फिर इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है इस रोग को, एमोबियसिस, एमोबियसिस, ये पांच नंबर की बीमारी है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। छठे नंबर की है डायरिया, डायरिया, उल्टी दस्त जिसे आप कहते हो आम भाषा में। और सातवें नंबर पर है भैया पायरिया, पायरिया, इसका संबंध दांतों से है, मसूड़ों से है इस बीमारी का, इस बीमारी के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये सात बीमारी बेटा प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। तो याद रहे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो इन सातों बीमारियों में से कोई एक ऑप्शन होगा बेटा, और उसके अलावा तीन बीमारी आपको कोई भी दे सकता है। तो जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है बेटा वही आपको सही आंसर करके आना है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए। अब बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे नंबर का, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि मलेरिया जो रोग है इस रोग के पैथोजन का नाम क्या है, इस रोग के पैथोजन का नाम क्या है, इस रोग के पैथोजन का नाम क्या है, यानी कि इस रोग के रोगजनक का नाम क्या है। अब बात आती है भैया कि रोगजनक होता है क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रोगजनक, जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, किसको बेटा रोग को। रोग को हम दूसरी भाषा में बीमारी भी कह सकते हैं, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा रोगजनक, और इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। अब ये पैथोजन क्या क्या हो सकता है, तो बेटा कोई वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई फंगस हो सकता है, और ये कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। तो आपको कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट उस प्रोटोजोआ का नाम पूछ रहा है जिसके कारण आपको मलेरिया होता है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, क्या भैया प्लाज्मोडियम। तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बेटा जिसके कारण आपको मलेरिया रोग होता है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है भैया प्लाज्मोडियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो मलेरिया रोग होता है उस मलेरिया रोग के पैथोजन का नाम क्या है, यानी कि रोगजनक का नाम क्या है, तो भैया प्लाज्मोडियम होगा। या अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि मलेरिया जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो बेटा आपको प्लाज्मोडियम करके आना है। अब बेटा ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी भी अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे कि फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम, एक होता है वाइवैक्स और एक होता है ओरल प्लाज्मोडियम, ये तीन प्रजातियां है बेटा इस प्लाज्मोडियम की, जिसमें से सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है फेल्सीपेरम। इसी फेल्सीपेरम के कारण अगर बेटा इसी फेल्सीपेरम के कारण अगर आपको ये मलेरिया रोग हुआ, तो बेटा लगभग आपको सही होने में एक से डेढ़ माह का समय लग जाता है, एक से डेढ़ मंथ का समय लग जाता है, और बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है बेटा अगर आपको फेल्सीपेरम से अगर आपको मलेरिया होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्लाज्मोडियम है उसके कारण मलेरिया होता है, तो किस प्लाज्मोडियम से सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, तो नाम याद रखना है बेटा आपको फेल्सीपेरम, ये खतरनाक है भैया, सबसे खतरनाक है ये सबसे खतरनाक है। सही होने में लगभग एक से डेढ़ महीना लग जाता है बेटा आपको,
इतनी बात क्लियर है? तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? ओके भैया, तो किसी को पैथोजन में रोगजनक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाम से स्पष्ट हो रहा है रोगजनक। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा रोगजनक। क्या क्या हो सकता है रोगजनक? कोई वायरस का नाम हो सकता है, कोई बैक्टीरिया का नाम हो सकता है, कोई फंगस का नाम हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ का नाम हो सकता है। तो मलेरिया का पैथोजन यानी कि रोगजनक क्या होगा बेटा? तो प्लाज्मोडियम होगा। या अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मलेरिया है उसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। इसकी भी अलग अलग प्रजाति है, जैसे कि फेलसीपेरम है, वाइवेक्स है, ओरल प्लाज्मोडियम है। सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम होता है वो होता है फेलसीपेरम। इससे अगर आपको मलेरिया हुआ तो सही होने में आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है बेटा। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं। दूसरी चीज होती है बेटा वेक्टर, और वेक्टर का मतलब होता है वाहक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया आपकी एग्जाम में कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, और वाहक को हम रोग वाहक भी कह सकते हैं बेटा। अब बात आती है कि रोग वाहक या फिर वाहक होता क्या है। तो एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं लाइन बोल रहा हूं बेटा सेम वो ही लाइन पूछी गई थी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को कहा जाता है वेक्टर, और वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है वाहक या फिर रोग वाहक। क्या क्या हो सकता है? कोई कुत्ता हो सकता है, बंदर हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, चूहा हो सकता है, कोई मक्खी हो सकता है, कोई मच्छर हो सकता है। यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित कर सकता है, कोई हवा हो सकती है, कोई पानी हो सकता है, कोई भोजन हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रोग बेटा ब्लड की सहायता से भी फैलते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? वेक्टर वाहक। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो जो बीमारी को फैलाता है, जो बीमारी को फैलाता है, जो रोग को फैलाता है वो होता है वेक्टर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मलेरिया रोग है, इस मलेरिया रोग का वेक्टर यानी कि वाहक क्या है, तो बेटा एक मच्छर होता है, और उस मच्छर का नाम है फीमेल, फीमेल एनाफिलीज, एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उस मच्छर के कारण बेटा आपको मलेरिया रोग होता है। अगर मादा एनाफिलीज मच्छर ने आपको काटा तो बेटा इसके काटने से आपको मलेरिया रोग होता है। इस मच्छर के काटने से बेटा आपको मलेरिया रोग होता है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया इस मलेरिया रोग को फैलाने वाले का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर, इंग्लिश में बोला जाता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मैं आपको दो मच्छर के नाम और लिख रहा हूं बेटा, उनके बारे में भी बता देता हूं कि उनसे कौन कौन सी बीमारी फैलती है। जैसे कि एक होता है बहुत ही फेमस है बेटा, यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फीमेल एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई मॉस्किटो, फीमेल एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। इस मच्छर का नाम आपने सुना होगा, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर, इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, और ये साफ पानी में रहता है बेटा। इस मच्छर से आपको डेंगू हो सकता है, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इससे आपको चिकनगुनिया हो सकता है, होता है भैया इस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया, येलो फीवर, येलो फीवर, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, जीका वायरस डिसीज, ये चारों बीमारियां होती है बेटा मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से। और बेटा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है बेटा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा रोग होता है बेटा? तो मलेरिया रोग होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक मच्छर और है बेटा जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस मच्छर का नाम है भैया फीमेल, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। एक मच्छर है बेटा फीमेल, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इस मच्छर के काटने से बेटा कौन सा रोग होता है? तो एलिफेंटियसिस या फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग भी कहते हैं, बोलो। और यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं भैया, इतिहास गवाह है, अगर आप इन आपकी परीक्षाओं के जैसे रैली हुई, एसएससी हुई, उसके अगर पिछले पेपर उठाकर देखोगे तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं बेटा वो यहां से भी आए हैं।
मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको तीन मच्छरों के बारे में बताया, तीन मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी होती है एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। मादा एनफ्लिज मच्छर से बेटा मलेरिया रोग होता है, मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर से डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, येलो फीवर होता है, इसे पीला बुखार भी कहा जाता है, जीका वायरस डिसीज भी होता है। उसके अलावा मादा क्यूलेक्स मच्छर से बेटा एलिफेंटियसिस या फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। इस रोग में जो रोगी होता है उसका पैर हाथी के पांव के समान हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पांव रोग कहा जाता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं मिटा देता हूँ, इसके सिम्टम्स बताता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए, दवाई भी बताता हूँ मलेरिया के लिए, और बेटा ये भी बताता हूँ कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो को छोड़कर के मत जाना, नोट्स बना लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बेटा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके भैया। देखिए भैया यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, ओके आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मलेरिया रोग है उसके पैथोजन का नाम क्या है, भाई इसके पैथोजन का नाम क्या है, यानी कि इसके रोग जनक का नाम क्या है। तो बेटा इसके रोग जनक का नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है इसकी प्रजाति भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन वहां पर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखना सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है इस प्लाज्मोडियम की, जिसके कारण आपको मलेरिया होगा तो लगभग 1.5 महीने में जाकर के सही होगा। अब ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आकर करता क्या है, किसके कारण आता है बेटा हमारे शरीर में ये, तो भैया मच्छर से फैलता है। और किस मच्छर से, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है मादा एनफ्लिज मच्छर से ये बीमारी फैलती है आपको मलेरिया। ओके भैया, ये प्लाज्मोडियम उसी की सहायता से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आगे देखिए भैया, अब ये प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड होता है बेटा उस ब्लड में पाई जाने वाली जो हीमोग्लोबिन है तो उस हीमोग्लोबिन की संख्या को कम कर देता है। ये तीर का निशान नीचे की तरफ किया है तो उसका मतलब क्या है कि बेटा ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी संख्या को कम कर देता है। कम की नीचे की तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब कम कर देता है। और आप सभी को पता है बेटा ब्लड में जो पाई जाने वाली जो आरबीसी है, आरबीसी है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी है, इस आरबीसी का मुख्य घटक होता है, इस आरबीसी का मुख्य घटक होता है बेटा कौन, हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो गई तो बेटा आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमारे ब्लड में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है उस हीमोग्लोबिन की संख्या को कम कर देता है। और आप सभी को पता है ब्लड में पाई जाने वाली जो आरबीसी होती है इस आरबीसी का मुख्य घटक होता है भैया हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी तो भैया हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम होगी, और अगर आरबीसी की संख्या कम हुई तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं ब्लड के बारे में, जैसे कि ये है आपका ब्लड संपूर्ण, इसे आप रक्त भी कहते हो बेटा। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसका ठोस पार्ट होता है और एक इसका द्रव वाला पार्ट होता है। द्रव वाला पार्ट होता है उसमें हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। ये प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। और बेटा मैं आपको बता दूं पूरे ब्लड में 55% की मात्रा में ये प्लाज्मा होता है जो कि एक हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। और बेटा 45% की मात्रा में आपके ब्लड में ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नाम सुना होगा बेटा इन सभी के बारे में आपने। तो अब आपको क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है। आपसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया रोग में कौन सी ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, मलेरिया रोग में कौन सी ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, तो भैया आरबीसी की संख्या कम हो रही है मलेरिया रोग में। मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। मलेरिया रोग में कौन सी
ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। तो बेटा आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है भैया मलेरिया रोग में। लेकिन आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है कि भैया किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो याद रखना बेटा, डेंगू जो कि एक मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि एक वायरस डिसीज है, कौन, डेंगू। और इस डेंगू रोग में बेटा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो नोट लगाकर यह भी लिख लेना, कि जो डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, अब आपको दोनों ही रोगों के बारे में पता चल गया कि भैया मलेरिया जो रोग होता है उसमें तो आरबीसी की संख्या कम होती है। क्यों होती है आरबीसी की संख्या? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है उस पर अटैक करता है, उसकी संख्या कम कर देता है। और आप सभी को पता है ब्लड में पाए जाने वाली जो आरबीसी सेल है, यानी कि रेड ब्लड सेल है बेटा, उसका मुख्य घटक होता है। अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या कम किस में होती है? मलेरिया रोग में। अगर आपको मलेरिया रोग होगा तो आप में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। और अगर आपको डेंगू रोग हुआ है तो डेंगू रोग में बेटा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और डेंगू के बारे में बेटा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, इसलिए कहता हूं कि अगर पिछली, अगर आपने 37 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। ये क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, मलेरिया रोग वाला भी ये क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डेंगू रोग में कौन सी ब्लड सेल्स की संख्या कम होती है और मलेरिया रोग में कौन सी ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, या फिर किस रोग में भैया आरबीसी की संख्या कम होती है, या फिर किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी कहानी समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब बेटा सिम्टम्स देख लेते हैं कि भैया मलेरिया रोग के क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इसके सिम्टम्स बता देता हूं बेटा, फिर इसके लिए दवाई बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मलेरिया से पूछे जाते हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन इसी ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। और ऐसे ही बेटा मैंने मानव रोग से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इन पिछली 37 क्लासों में, वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं थ्योरी के साथ में। इसलिए बेटा उन 37 क्लासों को देख लेना भैया, मजा जाएगा अगर आपने एक बार पढ़ लिया और एक बार नोट्स बना लिए तो। सारी की सारी ये महत्वपूर्ण क्लासें हैं बेटा। अब सिम्टम्स बताइए, अगर आपको मलेरिया रोग हुआ तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं भैया, क्या क्या लक्षण दिखाई देता है? सिम्टम्स यानी कि लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा बेटा अगर आपको मलेरिया रोग हुआ तो? बहुत तेज बुखार आएगा नंबर दो पर, सिर दर्द रहेगा, कपकपी छूटती है, जॉइंट्स में दर्द रहता है। नंबर पांच पर मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। शरीर में कमजोरी रहती है। ज्यादा ही खतरनाक मलेरिया है आपको तो उल्टी भी हो सकती है। और आठ पर आपको याद रखना है कि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है।
बोलो बेटा, यहाँ तक की कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, कपकपी छूटेगी शरीर में, पूरे बदन में दर्द रहेगा, जॉइंट्स में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। जॉइंट्स ये होते हैं बेटा, जैसे कि दोनों हाथों के जॉइंट्स है, दोनों पैरों के बीच में जो जॉइंट्स है उनमें दर्द रहता है। मांसपेशियों में बेटा दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, आपको उल्टी भी हो सकती है और आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ये मुख्य सिम्टम्स है। सिम्टम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, अब याद रखना इसके लिए एक दवाई दी जाती है, कुनिन। कुनिन, और ये जो कुनिन जो दवाई है बेटा, ये एक प्लांट होता है सिनकोना। इस सिनकोना की छाल से, इस सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। सिनकोना एक प्लांट है बेटा, और इस सिनकोना की छाल से जो दवाई बनाई जाती है उसका नाम है कुनिन। और ये जो कुनिन दवाई होती है ये मलेरिया के लिए उपयोगी होती है। आप कह सकते हो कि जो कुनिन होता है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है बेटा। क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी कि मलेरिया के लिए दवाई जो दी जाती है बेटा वो है भैया कुनिन, जो कि एक सिनकोना है। ये प्लांट है, इस प्लांट का नाम पूछा जाता है बेटा। तो याद रखना है, सिनकोना प्लांट है एक, जिसकी छाल से बेटा ये कुनिन दवाई बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ना जाने आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो ये चीजें भी आपको याद करनी है। जितनी इंपॉर्टेंट आप, इंपॉर्टेंट जो क्लास है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। कहने का मतलब यह है मेरा कि भैया, जिस तरीके से आपने लगन से और मेहनत से ये क्लास देखी है, उसी लगन और मेहनत से इस क्लास को याद भी करना है, ताकि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे बेटा, वो सभी के सभी ही क्वेश्चन आप कर सके। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और वो मैंने आपको नहीं करवाया। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हाँ, मान जाता हूं कि हो जाती है गलती, क्योंकि इंसान ही तो हूं। अगली बार भैया हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट में आपका वो क्वेश्चन भी ऐड कर लिया जाएगा। जब भी दोबारा आपको मलेरिया पढ़ाया जाएगा तो बेटा उस मलेरिया में वो अपडेट आपको जरूर मिलेगी। तो हम समय के साथ में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, लगातार हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो नोट्स है, हमारी जो किताबें हैं उनमें अपडेट करते रहते हैं, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और क्लास समाप्त करने से पहले प्रोटोजोआ से जो बची हुई हमारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में भी एक एक करके बेटा, उन सारी बीमारियों के बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करते रहना भैया, बहुत जल्द मिलेंगे।